इंडियन आइडल सीजन 13 की एक बड़ी अपडेट आप सबके लिए लेके आ चुके हैं। कल जो वोटिंग हुई है यानी सैटरडे और संडे वाले दिन जो एपिसोड आया था उसकी वोटिंग हुई है, उसकी रैंकिंग निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, कि किसको कितने वोट मिले हैं और कौन टॉप थ्री में है और कौन बॉटम थ्री में है और आने वाले हफ्ते में कौन है एलिमिनेट हो सकता है यानी इंडियन आइडल शो से बाहर हो सकता है, पूरी डिटेल निकल के सामने आ चुकी है। और हमारी जो डिटेल रहती है ना वो एकदम एग्जैक्ट होती है। पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि जो बॉटम थ्री नाम बताए थे उसमें कोई एलिमिनेट होगा और ऐसा ही हुआ, उन्हीं में से एक एलिमिनेट कंटेस्टेंट हुआ था। ऐसे में आज नई लिस्ट लेके आ चुके हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं और इस हफ्ते कौन है वो एलिमिनेट हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू राजपूत और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कौन इंडियन आइडल 13 से बाहर होता रहेगा आने वाले हफ्ते में और रैंकिंग वगैरह जो भी है, विनर वगैरह सब कुछ हम पहले ही आपको बताते रहेंगे और TRP की डिटेल तो आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारी जो रैंकिंग निकल के सामने आ चुकी है उसमें से हम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे स्टार्ट, बल्कि हम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे कि आखिर बॉटम थ्री में कौन है यानी सबसे कम वोट किसे मिले हैं, वहां से हमने स्टार्ट करना है। तो देखिए, आप सबको पता है कि टॉप 14 कंटेस्टेंट अभी है शो में, तो ऐसे में 14 नंबर पर जो है जिसे सबसे कम वोट मिले हैं वो है 13 नंबर पर है नवदीप, 12 पर है प्रीतम यानी 12 नंबर पर प्रीतम है, नंबर 11 पर है संचारी, नंबर 10 पर है संज्योति और इसके बाद नंबर 9 पे है सोनाक्षी, नंबर 8 पे है शिवम, नंबर 7 पर है अनुष्का, नंबर 6 पर है विनीत। देखिए, विनीत की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद की, वैसे सिंगिंग भी काफ़ी अच्छा करते हैं तो भाई वो बीच में है और भाई सेफ है बिल्कुल और मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतनी जल्दी आउट होने वाले हैं। देवोश्मिता है नंबर 5 पे है, बहुत अच्छा गाती है, पिछली बार बॉटम 3 में देवोश्मिता को डाल दिया था, वो भाई एक हाइप क्रिएट की गई थी, सस्पेंस बनाया गया था लेकिन वो बॉटम 3 में नहीं थी, हमने आपको उस वीडियो में बताया था वो टॉप 3 में थी। इस बार क्या हुआ कि नंबर 5 पे आ चुकी है और नंबर 4 पर है बदीप्ता और बदीप्ता आपको पता है कि जब से ऋषि के साथ आने लगी है, ड्यूट परफॉर्मेंस होने लगी है तो बदीप्ता को काफ़ी लोग पसंद करने लगे हैं, स्टार्टिंग में नहीं करते थे अब बहुत करने लगे हैं और बदीप्ता नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे है काव्या। भाई यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें चल रही है कि लव एंगल के चलते इनको पसंद किया जा रहा है, क्योंकि चिराग भी नंबर 2 पे है, ऋषि नंबर 1 पे है, तो चिराग और काव्या दोनों एक साथ है नंबर 2 और 3 की इन्होंने पोजीशन रखी हुई है, तो ऐसे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई इनकी लव स्टोरी के चलते हो रहा है। भाई सिंगिंग भी अच्छा करते हैं, मैं कहता हूँ कि सिंगिंग भी काफ़ी दमदार है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि आप 30% इनके लव एंगल के कारण लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें देखना चाहते हैं लोग और सिंगिंग के साथ लोगों को एंटरटेनमेंट भी पसंद है, तो ऐसे में चिराग और काव्या नंबर 2 और 3 की पोजीशन पर है। ऋषि देखो नंबर 1 पे है और मुझे, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था अगर इंडियन आइडल 13 के विनर है तो वो है ऋषि, ऋषि ही विनर बनने वाले हैं, ये हमने आपको पहले क्लियर कर दिया और लगातार नंबर 1 की पोजीशन उन्होंने बना के रखी है 3-4 हफ्ते से, तो फिलहाल देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आपका फेवरेट कौन है और बॉटम 3 की चलो आपको बता देते हैं, टॉप 3 तो आपको पता लग गया ऋषि चिराग और काव्या है लेकिन बॉटम 3 में, और गाइज थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने जो लास्ट में आपको नाम बताया था नंबर 14 पे उस पे रूपम है, मैंने प्रीतम 2 बार बोला है, शायद 12 पे भी मैंने प्रीतम बोला है, नंबर 14 पे भी प्रीतम बोला है लेकिन नंबर 14 पे रूपम है, तो सबसे कम जो वोट मिले हैं वो रूपम को मिले हैं तो रूपम है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ऐसे में अब देखा जाएगा कि आखिर कौन एलिमिनेट होने वाला है क्योंकि नवदीप, प्रीतम, रूपम इस हफ्ते बॉटम 3 में है। फिलहाल आपका फेवरेट कौन है और आप हमें बताइए कौन बॉटम 3 में होना चाहिए था और कौन नंबर 1, 2 और 3 पे होना चाहिए था, आपका फेवरेट कौन है ये भी बताना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी की डिटेल आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते कुछ ही देर में इंडियन आइडल 13 की नई अपडेट के साथ।